गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है भाषा और लिपि। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचारों या भावों को ग्रहण करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा जब अपने विचारों को हम मुंह से बोलकर दूसरों को व्यक्त करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा क्या होती है? जब मनुष्य अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। इसके अलावा कुछ और भी लिपियां हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी हुई, अंग्रेजी की रोमन, चीनी की चित्रलिपि, बांग्ला की बांग्ला, संस्कृत नेपाली की देवनागरी, अरबी की अरबी ही है और जर्मन की है रोमन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।